20 लाख रुपए की लागत से ऋषिकेश के ग्राम पंचायत खैरी कला में पंचायत भवन का निर्माण हुआ। क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने इस भवन को जनता को समर्पित किया। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि ये भवन अनोखी डिजाइन से बना है, उत्तराखंड में शायद ही ऐसा पंचायत भवन आज तक बना हो। भवन निर्माण के बाद क्षेत्र की जनता को पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड सहित कई समस्याओं से निजात मिलने जा रही है। इस पंचायत भवन में स्थानीय अधिकारी मौजूद रहेंगे, जो क्षेत्र की जनता की समस्या का निराकरण करेंगे। पंचायत भवन निर्माण के दौरान से ही चर्चाओं में रहा है। भवन की दीवारों पर बने भगवान श्रीराम, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के चित्र लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ग्राम प्रधान चंद्रमोहन पोखरियाल ने कहा कि प्रधान बनने के बाद उनका एकमात्र लक्ष्य क्षेत्र की जनता का विकास करना रहा है। ऋषिकेश से महेश पवार की रिपोर्ट। देखिए, आप देख रहे हो कितना भव्य पंचायत भवन बनके यहाँ पे हमारे ग्राम प्रधान चंद्रमोहन पोखरियाल जी ने किया है। बहुत बढ़िया ये भवन बनाया, खूबसूरती इसके देखिए। और जिस प्रकार से इस भवन के अंदर अंदर भी अच्छा दिख रहा है और बाहर से भी भगवान बद्री विशाल, भगवान केदारनाथ, भगवान भैरव, भगवान श्री राम इस चित्र को भी उकेरा है। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड का शायद ये इस प्रकार का पहला भवन होगा। और ये वो ग्राम सभा है कि जहाँ पे इन्होंने अनेकों विकास भी किए, तो स्वाभाविक रूप से और विकास वहाँ पे हो तो मेरा भी मन रहता है कि मैं वहाँ पे अपना जो मेरी सोच है वो मैं यहाँ पूरी करूँ। और आपको सुन के भी अच्छा लग रहा होगा कि यहाँ पे ग्राम प्रधान जितने भी थे उन सब ने कहा जी हमारी ग्राम सभा में माननीय विधायक जी या मंत्री जी की तरफ से बहुत काम हुआ है। तो यही भाषा यहाँ पे मेरे लिए बोली गई, दूसरे जो प्रधान यहाँ आए उन्होंने भी वही बोला। तो मेरा भी मन वही से रहता है कि हर जगह में मैं अपना कुछ योगदान करूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी खैरी कला की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनके आशीर्वाद से इन 5 वर्षों में मुझे विकास कार्य करने का और अपने गांव का विकास करने का अवसर मिला। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं जब प्रधान बना था तो मैं एक सोच के साथ बना था कि मुझे सिर्फ नाम के लिए प्रधान नहीं बनना है, मुझे कुछ करके दिखाना है गांव में जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, उन सब समस्याओं के साथ साथ उन समस्याओं के साथ साथ एक जो हमारे गाँव की सबसे बड़ी समस्या थी पंचायत भवन की, जिसके लिए हम दूसरे गांव पर निर्भर रहते थे पंचायत भवन के लिए। तो मैंने कहा यार पंचायत भवन बनाना है, और वो पंचायत भवन मुझे ऐसा बनाना था जो भारत में ना हो। उत्तराखंड तो मतलब एक छोटा राज्य, मतलब छोटा एक छोटी बात हो गई। मेरी सोच ये थी कि मुझे पूरे ऐसा बनाना जो भारत में ना हो, और मैंने भरसक प्रयास किया उसके लिए, और वो उसका परिणाम आपके सामने है कि मैंने एक भव्य और दिव्य पंचायत भवन बनाकर अपने गाँव को समर्पित किया है।